एक गरीब रेहड़ी वाले को आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कावड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के ना खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना ना खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर कौंधते हैं। भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए और सामने एक ही डॉक्टर हो और वो मुसलमान हो तो क्या आप इलाज नहीं कराइएगा? जरूरत पड़ जाए और खून से ही जिंदगी बच सकती हो और सामने वाला एकमात्र व्यक्ति मुसलमान हो तो क्या उसका खून नहीं लीजिएगा? अगर इन रेहड़ियों पर बबलू मुन्ना गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या कीजिएगा, उनसे सामान खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? असलियत यह है, और ये कितनी बड़ी विडंबना है, कि ये उन कावड़ियों के साथ किया जा रहा है जो भगवान शिव पर अर्पित होने वाले जल को चढ़ाने और लेने जा रहे हैं। ये जो धर्म के नए नए स्वयंभू ठेकेदार बने हैं, ये ढोंगी, ये तो ना हमारे धर्म को समझते हैं ना भगवान शिव की विराटता को। क्योंकि मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव किसी भी गरीब की पेट पर लात पड़ने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। असलियत यह है कि ये वो डरपोक सरकारें और प्रशासन ऐसी कार्रवाई करते हैं जो अपनी विफलताओं को इनके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुसलमान के इकोनॉमिक बॉयकॉट की असलियत को समझिए, उनके बहिष्कार की असलियत को समझिए, उस साजिश को समझिए, क्योंकि ये वही जाहिल है जो अयोध्या हारने के बाद सबसे पहले हिंदुओं के बहिष्कार की बात करने लगते हैं। अरे कितनी नफरत फैलाइएगा, कभी तो जोड़ने की बात करिए। इस देश ने इतना बड़ा संदेश दिया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? चलिए आएगा समझ में, क्योंकि मेरा देश मोहब्बत का देश है, मेरा देश जोड़ने वाला देश है। नफरत का बाजार मत लगाइए, क्योंकि सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सेब मीठा होना चाहिए। और कितना भी नफरत का बाजार लगाइए, जीत तो मोहब्बत की ही होगी। हर हर महादेव।